वो देखते हुए जो सुनहरियो को देखते हुए कोई स्पेशल मैसेज होना चाहिए, पहले जरा तस्वीर चलाएं जी फैसले के लिए। तस्वीर देख के अलग दिमाग में चीजें आएंगी ना। कायम अली शाह साहब को एक और ईद कुर्बा मुबारक, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, जो अल्लाह बेहतर करे। कायम अली शाह साहब वजीर आला थे, जब 2008 में वजीर आला बने तो शर्मिला और मैं दोनों हम सूबाई काबीना में उनके साथ थे। बल्कि हमें एक टॉक शो भी याद है कि एंकर ने अजीब सवाल हमसे किए थे, हम दोनों क्योंकि कायम अली शाह साहब की काबीना में थे। तो खैर 2013 में मैं फिर बना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ सूबे का और कायम अली शाह साहब वज़ीर आला थे फिर। तो हमारी सिंध असम्बली का पुराना ऐवान था, उसमें तकरीर करते हुए मैंने लाइट मोमेंट चल रहे थे, मैंने कहा देख वो कहेंगे मैं इतना सीनियर हूँ यूँ, मैंने कहा सर आप इतने सीनियर हैं कि जब आप पाकिस्तान के में वफाकी वज़ीर थे तो उस वक्त मेरे वालदैन की शादी तक नहीं हुई थी। और ऐसा ही है, 1972 में फेडरल मिनिस्टर थे कायम अली शाह। जो दूसरी पिक्चर है ये भी फैसला आपके लिए, पिक्चर जल्दी से जी, जल्दी जल्दी से मरियम औरंगजेब साहब को एक अच्छी खबरों से भरी ईद की तवक्को है, तवक्को है इनकी ईद इनकी जो है अच्छी खबरों वाली हो, इत्तलात नशरियात की वजह। बिल्कुल बिल्कुल चले जी, मैं समझा दूंगा बिल्कुल। मैं सही अच्छा जी, थर्ड पिक जी भी फैसले के लिए। हाँ फैसले भी आपके लिए। हाँ ये जहांगीर तरीन साहब को एक मुस्तहकम पाकिस्तान की ईद मुबारक हो। चले ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई जी। अच्छा जी शर्मिला के लिए, शर्मिला आपने विश करना इनको, अपने खावन को एक भी खूबसूरत लड़की की तस्वीर नहीं दिखाई। मैंने कहा नहीं कुदरती नहीं है, खाएं वाली शार्ट हो जाएंगी घर में सारे मर्दों की, सारी मर्दों की। मेरे लिए ना मेरे आगे का शो करना मुश्किल हो जाएगा, मेरे खाला नहीं काहे को होगी, मैं थोड़ी कर रहा हूँ भाई। एक ही खूबसूरत लड़की जो है जिंदगी में काफी है इनकी। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, शर्मिला शर्मिला की, शर्मिला की दिखाई जी आपको दिखा दी। हाँ रंग बिरंगी ईद मुबारक, गुड गुड वन, नेक्स्ट वेरी गुड वन, नेक्स्ट ईद आप क्यों हंस रही थी रंग बिरंगी में? ये तो देखे जरा, यू गॉट इट, ये देखे पिंडी बॉय। अच्छा ये ईद मुबारक, ये तो टाइटल है, ये तो प्रोमो शॉट है, तीसरी तीसरी, ओह माय गॉड। अच्छो ये कोई हाजिर है, हाजिर है हां, कौन है कौन, ये असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। अच्छा मैं समझा वो अदीता पंचोली में, समझा मजाक नहीं, आधी तस्वीर है ना, ये असिस्टेंट कमिश्नर है अंचोली के लाते। हां जी 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 जी, माशाल्लाह सर कितने स्मार्ट है सर, इनका मूवी कैमरा लाइट्स ईद मुबारक, जबरदस्त वेरी गुड। क्या बात है के लिए जी, जमेरिया के लिए पिक्चर, आपसे मुतासर हो जी इफ़त रहीम, ओए रहीम ओए होए, लड़ती झगड़ती ईद मुबारक। अच्छी बात, दूसरी जल्दी से सबूर, तो सारी खूबसूरत लड़कियां वो जवेरिया साउथ को, साउथ भाई को दे नहीं सकते थे, साउथ भाई को सारे कह दिए थे, मेरे से मुबारक इंस्टा रील की, ईद मुबारक ओके इंस्टा रील की, साउथ भाई को सारे जेल की कैदी की तस्वीर आएगी। तीसरी ये लिखी जी, यासिर हुसैन, तनकीदी ईद मुबारक, तनकीदी ईद मुबारक, क्या बात, दैट वाज क्विक जी। साउथ भाई सऊदी को रोती लड़की हीरा हीरा मानी, तुम्हें तो मानी की ईद मुबारक। ओ फिरोज, ओ फिरोज खान, फिरोज खान, अचानक आप समझ रहे हैं, अचानक हीरो बना है, अचानक हीरो बना है मुझे। तीसरे जी, ओ सबा कमाल, सबा कमाल, जबरदस्त ईद मुबारक, क्या जबरदस्त ईद, क्या बात, क्या बात, हां जबरदस्त पे जोर है भाभी, जबरदस्त पे, ये तो देखो अच्छा। चलो जी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप लोग कहीं मजाएगा ब्रेक के बाद, बहुत मजेदार गेम्स कहीं मजाएगा ब्रेक के बाद करते हैं। ब्रेक, और एक बार फिर से आप तमाम तर देखने वालों को और सुनने वालों को, आप लोग जहां जहां भी मौजूद हैं, ईद की ढेरों खुशियां आप लोगों को मुबारक हो। किचन में हम आ गए क्योंकि आपको पता है कि ईद वाले दिन तो, और स्पेसिफिकली जब बकरा ईद वाला दिन होता है उस दिन तो किचन में काम ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो हमारी खवातीन होती ही दोनों ईदों पर किचन में ही हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं। अच्छा ईद का मौका ऐसा होता है कि हमारे घर में पकवान बड़े ज़्यादा बनते हैं, तो ऐसी चीज़ का इंतखाब करना चाहिए जो कि हर किस्म की इम्प्योरिटी से पाक हो। और आज हम अपने इस ईद वाले दिन जो हमारा ज़बरदस्त एक किचन भी यहाँ पर है,
इसमें जनाब कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति जो 60 साल से हमारे इन मोमेंट्स को, जिस स्पेशल ओकेजन्स को मज़ेदार बना रहा है, और इसी में ही जनाब ऐसे हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि 100% जो हैं वो प्योर हैं और पूरी फैमिली को ये एक साथ जोड़ते हैं। अगर खाने अच्छे बने हो ना तो फिर तारीफ़ें भी होती हैं और ये खानों को रौनक भी बख्शती हैं, दस्तर खानों को रौनक बख्शती हैं। और हमारे से हमारी बहुत ही प्यारी शेफ फरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मदिया? ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी आप? सारे मेहमानों को भी ईद मुबारक। आज आज हमारी इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन हुई है, मैं देख रही हूँ काले काले हमने जोड़े पहने हुए जी। फरा क्या बनाने जा रहे हैं? बकरा ईद है और आज के दिन कलेजी हर घर में ही बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई चाहता है। अच्छा, कुर्बानी जैसी ही होती है फौरन से कलेजी जो है वो कसाई निकाल के घर वालों के हवाले करता है और जो घर के मर्द है वो खवातीन के हवाले कर देती हैं कि बस जल्दी से आपने कलेजी बनानी है तो फिर वो जल्दी जल्दी सारा काम छोड़ के ना कलेजी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, बड़े मसले होते हैं कि हीक आ रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ताज़ी चीज़ों से ना हमारी तो आदत ही नहीं रही ताज़ी चीज़ें खाने की। बिल्कुल, तो भाई मैं आज आपको ऐसे कलेजी बनाना सिखाऊंगी बहुत ही फास्ट जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम तो होता नहीं है, तो जल्दी से मैं बनाना बताऊंगी और मैं स्टार्ट कर लूँ जल्दी से बनाना। पहले हम मैरिनेट करते हैं। ठीक है जी। इंग्रेडिएंट्स पहले बता दें जल्दी से क्या क्या है। जैसे बता दें, बकरे की कलेजी मैंने ले ली है क्योंकि बहुत टेस्टी होती है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। इसके अंदर मैं लूंगी हरी मिर्चें फाइन चॉप की हुई, हरा धनिया गार्निश के लिए, लेमन है इसके, थोड़ा सा मैंने जूस लेना है, वही घर के सारे मसाले हैं, हल्दी पाउडर है, कसूरी मेथी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कुटी लाल मिर्चें हैं, लाल मिर्च पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा गर्म मसाला, और सिर्फ मैंने आधा किलो यहाँ पर कलेजी ली है बकरे की, तो 1 टेबल स्पून ओनली मैं इसमें दही शामिल करूंगी ताकि जल्दी से बन जाए, जूसी सी बने। तो फिर मैं स्टार्ट कर दूं। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल कलेजी बनाना शुरू करें। पर दही बनाई होगी, उसने दही कहाँ से लिया होगा, एक सवाल है। हमारे पाकिस्तानी शौहरों का कहना है कि घर में रिस्क औरत के नसीब से आता है। अब महंगाई इतनी हो गई है, हाँ नहीं शौहरों का कहना है, महंगाई इतनी हो गई कि एक औरत के नसीब से गुजारा नहीं होता। इसके बारे में आपको मशवरे दे रहा हूं, तुम नहीं विशेष टिप्पणी। अच्छा, आप लोग पॉलिटिशियन है तो मेरा एक सवाल है, ये बात सच है जो मसले असेंबली में डिस्कस होने चाहिए। हेलो, एक मिनट, पहले सवाल का जवाब। हां, रिस्क औरत के नसीब से आता है, इसलिए कहते हैं शादी कर लो ताकि तुम्हारा नसीब ही बदले। मशवरे देते लेकिन कोई रिश्ता नहीं ढूंढ के देता, रिश्ता नहीं ढूंढ रहा, आखिर में फरिश्ता ही ढूंढ देगा मुझे। असल में ये मुंह के बम इतने मारते हैं कि कोई इनसे शादी करने को तैयार नहीं है। नहीं, लग रहा है इन्होंने वसीम बादामी से कहा था कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढो। अच्छा, लेकिन बात बनी, बात बनी, वो मासूम ने सवाल भी पूछा था। वो अपने लिए तो ढूंढने नहीं निकल गए थे सर, वो जो सर जोड़े आसमानों पर बनते, मुझे लगता है मेरी वाली ऊपर ही रह गई है और बहुत जलील यहां होते हैं। आ वाह वाह वाह, क्या बात है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। हेलो हेलो, आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए ना ये सब हैप्पीली मैरिड है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको वो लोग ढूंढने पड़ेंगे वहाँ। अच्छा, जाके आप ये बातें कर रहे हैं। अंग्रेजी में किस्सा होती है ऑक्सीमोरन, तो जिस तरीके से वो हैप्पीली मैरिड इज एन ऑक्सीमोरन के दो अल्फाज एक साथ मिला दिए जाए जो कि आप एक दूसरे से मुतजाद हैं। अच्छा फैसल, एक लास्ट सवाल है, इसके बाद आप मुझे बेशक बड़े माने खेज सर, इनके पास नॉलेज मुझे आ गया। मुझे एक बात बताइए, मैंने इंग्लिश किसी को बोलते हैं फैसल भाई, ये बताइए वुमेन वर्ड डिक्शनरी लेके बैठे फैसल भाई, ये वुमेन वर्ड W से क्यों स्टार्ट होता है? क्यों स्टार्ट होता है W से? क्योंकि दुनिया के सारे सवाल W से स्टार्ट होता है। Who, where, why, when? What? जी, तो दूसरी जगह आज हम खेलने जा रहे हैं। आप तमाम तो लोगों ने बहुत बार खेली है, लेकिन इसमें यूनिक चीज़ें होगी कि आज जोड़ियाँ थोड़ी डिफरेंट हैं। एक